नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस स्टूडियो बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो BSNL के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि BSNL सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर क्यों? दरअसल उसके कुछ प्लान्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि आप देखिए, एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने जो मोबाइल रिचार्ज प्लान्स हैं उनमें बढ़ोतरी करी। और ये जो बढ़ोतरी है, करीब करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ तौर पर देखिए, ये जो बढ़ोतरी है 3 जुलाई से लागू हो गई है, और इसका असर जो है वो करोड़ों यूज़र्स पर, करोड़ों उपभोक्ताओं पर होगा। क्योंकि जब भी अब आप बिल की पेमेंट करेंगे, प्लान को रिचार्ज करेंगे, तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ऐसे में अब BSNL जो है वो अब इन कंपनियों को क्या टक्कर दे पाएगा, किस लिहाज से? दरअसल उसके जो कुछ प्लान्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो कंपनियाँ अभी 5G में नहीं हैं, 4G की सुविधा देती है, 4G की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, 5G की नहीं करती है। और यहाँ पर जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसकी जो कम कीमत है उसमें आप अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, और उसके साथ ही ये हाई स्पीड इंटरनेट का ये कंपनी दावा करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के कई कोनों में BSNL है। अगर आप इसकी रेंज देखें तो करीब करीब ये जो इसका टेलीकॉम नेटवर्क है वो करीब 7.5 लाख करोड़ तक का जो इसका टेलीकॉम नेटवर्क है, और ये टॉप 4 कंपनियों में चौथे नंबर पर शुमार होती है। अगर टॉप आप देखें कंपनियां टेलीकॉम कंपनियों में, तो उसमें चौथे नंबर पर आती है यहाँ पर। अब इसके बाद इसके एक और प्लान्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, भाई कौन कौन से प्लान्स हैं, किस तरीके से हैं, क्या ये प्लान्स सही मायनों में जियो, एयरटेल और साथ ही यहाँ पर वोडाफोन आइडिया से सस्ते हैं। तो देखिए BSNL की बात करते हैं। सबसे पहले BSNL का जो यहाँ पर प्लान है वो 107 रुपये का प्लान है, सबसे सस्ता प्लान यहाँ पर जो है, जो काफ़ी किफ़ायती है। 35 दिनों की वैलिडिटी है, 107 रुपये खर्च करेंगे आप 35 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और ये जो है 3GB डाटा मिलेगा, और 4G ये सर्विसेज देता है यहाँ पर। इसके अलावा 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग है यहाँ पर। तो पहला हो गया 107 रुपये का प्लान। दूसरा कौन सा है, 1 रुपये बढ़ा दीजिए, 108 रुपये का प्लान है। इसमें क्या अंतर है? ये नए यूज़र्स के लिए जो प्लान है, स्पेशल प्लान है एक तरीके का, 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग है, और 1GB डेली डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1GB डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा करीब करीब 200 रुपये नहीं कि 197 रुपीज़ का अगला प्लान है। इसमें लंबी वैलिडिटी की जो तलाश कर रहे हैं, लंबी वैलिडिटी मतलब थोड़ा सा और लंबे समय के लिए जो तलाश की जा रही है, यानी कि 70 दिन, 1 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वो 197 का प्लान BSNL का देख सकते हैं। 2GB डाटा मिलेगा यहाँ पर, इसके साथ ही 4G नेटवर्क होगा यहाँ पर, अनलिमिटेड कॉलिंग, और 18 दिनों के लिए रोज़ 100 SMS भी दिए जा सकते हैं। वहीं अगला प्लान जो है वो 199 रुपीज़ का है, थोड़ा सा इसे 2 रुपये ज़्यादा। ये प्लान 70 दिनों का लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ ही 2GB डाटा की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 397 के प्लान की बात करते हैं, क्योंकि सस्ते प्लान्स की 200 रुपये तक की बात तो हो गई। अब 397 प्लान्स क्या है 397 रुपीज़ में? अब इसमें क्या है, 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डाटा के साथ रोज़ाना के हिसाब से, और साथ में 4G नेटवर्क की सुविधा यहाँ पर दी गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा और महंगे प्लान की तरफ जाते हैं, 797 के ऊपर, यानी करीब करीब 800 रुपये के। यहाँ पे क्या है, 300 दिन तक आप इस प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, 365 दिन होते हैं साल में, तो 300 दिन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, जितना मर्जी कॉल कीजिए, 2GB डेटा हो गया, ये इसके साथ मिलता है। और इसके ऊपर जो प्लान है, जो सबसे महंगा प्लान है, वो है करीब 1,999 रुपये, यानी कि करीब करीब 2,000 का, यानी कि ये एक साल भर का रिचार्ज हो सकता है आपका। इसमें क्या है, 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, 600GB का जो होता है 4G का डेटा मिलेगा आपको, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, और साथ ही BSNL की कई तरह के ट्यून्स मिलेंगी, और कई दूसरी तरह की सब्सक्रिप्शन की सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर ये ओवरऑल बताने की आपको कोशिश है कि आप अगर आप सस्ता प्लान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के अलावा भी ये एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नज़रिया रख सकते हैं, जो कि BSNL के किफ़ायती प्लान से एक अच्छा विकल्प है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सभी प्राइजेज में हर राज्य में अलग अलग अंतर होता है, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया। और साथ ही हाँ, नेटवर्क का भी देखिए कई जगह पर इशू होता है BSNL को लेकर, जो सच है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पर तो 3G ढंग से काम नहीं करता है। तो ये चीज़ आप ये समझिए और फिर उसके बाद फैसला लीजिए। कैसी लगी आपको पूरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस स्टूडियो बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।